सभी के पास आवाज पहुंच रही ना? ओके, तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर में जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा व्याकरण के बारे में। अब आज हम अपना जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वर्ण पर विचार करना। किस पर विचार करना? वर्ण पर। ओके, तो आज हम वर्ण के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार या वर्ण विन्यास। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं हिंदी में जो हमारा बुक चलता है ना, या मैं उसका पोर्शन लू। ग्रामर समझ में आ रही है ना? नहीं तो मैं फिर बुक को रीड कराऊं, जैसा भी आपको करवाना हो। बुक मेरी दो बार कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप एट्थ में जाओगे तो आपको ग्रामर की बहुत जरूरत पड़ेगी, और हिंदी में मेन चीज होती है क्या? ग्रामर। ओके, yes, जब तक आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगी तब तक आप हिंदी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। ओके, तो कुछ जो हमारे दिमाग में हिंदी की ग्रामर को लेके कुछ बातें चलती है ना, उसको हमें सॉल्व करना जरूरी है। ओके, तो आपने अभी तक भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा कि व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होती है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमें क्या करना है? वर्ण पर विचार करना है। क्या करना है? वर्ण पर विचार करना। तो आप वर्ण और शब्द में कुछ अंतर होता है। किसमें? वर्ण में और शब्द में। शब्द क्या होता है? शब्द जो है अनेक वर्णों से, मीन्स अक्षर जिसको पढ़ते हो ना, आ से ज्ञा तक जो वर्णमाला होती है उसको आप क्या पढ़ते हो? वर्ण पढ़ते हो ना, वर्णमाला है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? वर्ण पर विचार करने वाले हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के अंतर्गत क्या आता है। ये आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वर्ण में हम वर्ण, हम वर्णमाला को पूरा पढ़ते हैं तो क्या होता है? वर्णमाला में कुछ स्वर मिलते हैं हमको और कुछ व्यंजन मिलते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलकर ही पूरी हमारी जो है वर्णमाला कंप्लीट होती है। होती है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, मैं नॉर्मल आपको समझा रही हूँ। वर्ण विचार मीन हमें किस पर? अक्षर पर विचार करना है कि अक्षर भी कितने प्रकार के होते हैं। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसको हम अपनी जीत के आधार पर बोलते हैं, है ना, कुछ अपने जान के आधार पर बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं? Yes, ma'am. करते हो कि नहीं? तो बस वो ही चीज yes, है yes, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, जो समझ में ना आए उसको पूछ लीजिए, और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए तो हम आप लोगों को बिल्कुल सामने से देखें और सामने से आपको पढ़ाएं। ओके, yes, ma'am. तो जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, कवि मैं
सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है उदाहरण में हमें क्या दिया गया कि कवि कवि कविता सुनाता सुनाता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा कि कवि मीन्स कविता को लिखने वाला कौन कहलाता है कवि कवि। तो यहाँ पर क्या है कवि जो है कविता को सुनाता है ओके। और जो दूसरा उदाहरण है दूसरा है मोहन ले गया था अपने घर अपने इस घर से ले आओ मोहन पत्र लिखता है मोहन पत्र लिखता है ओके। तो आपने ये जो वाक्य पढ़े वाक्य तो आप जानते ही होंगे जिसमें अनेक शब्दों को मिलाकर पूरी बात को सेंटेंस तैयार किया जाता है वो वाक्य कहलाता है। इसमें आपको एक चीज ये समझनी है ये अक्षर है का क्या है वर्ण है ठीक है। और जब हम का में क्या करते हैं वी जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है शब्द बन जाता है। समझ में आ रहा yes, ma'am. अक्षर और शब्द का अंतर वो सॉरी हाँ अक्षर वर्ण एक ही चीज है और क्या है अक्षर में क्या होता है वर्ण में जब हम दो वर्णों को मिला लेते हैं ठीक है तो ये हमारा शब्द बन जाता है। और जब हम अनेक शब्दों को मिलाकर अनेक सॉरी वर्णों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं पूरा वाक्य बना देते हैं ओके। तो अब आपको बिल्कुल सामने से आप देख लीजिए कि शब्द अक्षर और शब्दों से मिलाकर हमारा पूरा वाक्य बना। और जब हम एक अक्षर या वर्ण को लेते हैं तो ये वर्ण है और जब हम कई वर्णों को मिला के एक नया शब्द बनता है और जब खूब सारे शब्दों को मिला देते हैं एक से अधिक शब्दों को मिला दिया तो ये वाक्य बन गया ठीक है। और इन वाक्यों में आप ये चीज ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दो तीन आपको मैं बात क्या देख रही है अक्षर में कि कवि कविता को लिखने वाला कविता जो गाकर लिखी जाती है सुनाता है ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों काम जो है हमारे वो बिल्कुल प्रूफ काम है सही है ना। तो अब आपको शब्द अक्षर और वाक्य में अंतर समझ में आया हाँ। अब इसके बाद है हमें वर्ण को पढ़ना कि वर्ण क्या है। अभी हमने आपको बताया कि वर्ण क्या है जैसे आ से या तक के जो अक्षर या वर्ण होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। लेकिन अब हमें सही उसकी क्या सीखनी है परिभाषा क्या है वर्ण की परिभाषा क्या है हेलो हेलो वर्ण के लक्षण क्या है ओके। तो वर्ण क्या है अब हम वर्ण की बना रहा है परिभाषा लिखते हैं ओके। बड़ा ज्यादा वर्ण की समझ गई परिभाषा वर्ण की जो परिभाषा है वर्ण क्या है वर्ण के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि आपको हमने आ दिया क्या आप आ के टुकड़े कर सकते हो नहीं मैम नहीं ना नहीं। लेकिन जब हमने आपको दूसरा शब्द दिया अब हुआ ना क्या है आ है जो एक हमारा वर्ण है क्या आप वर्ण के टुकड़े कर सकते हो नहीं ओके। और जब हम शब्द वर्ण और वर्ण को जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है हम शब्द के
टुकड़े कर सकते हैं, हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वर्ण में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए वर्ण के संबंध में जो परिभाषा है वो यही है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की परिभाषा, वो सॉरी इसकी वर्ण की परिभाषा क्या होगी, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसको हम विभाजित या उसका खंडन नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. क्या है भाषा की परिभाषा? बिल्कुल इजी है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में समझाया है कि हमने एक वर्ण लिया आपका, हम कोई भी खंडन नहीं कर सकते हैं। और जब हम शब्द वर्ण और वर्ण को एक से अधिक वर्ण को जब ले लेते हैं तो शब्द बन जाता है। ओके, तो शब्द का हम क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद या उसका हम खंडन कर सकते हैं। लेकिन वर्ण में क्या होता है, वर्ण क्योंकि अकेला ही होता है तो क्या अकेले को हम तोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पर वर्ण की जो परिभाषा है वो बिल्कुल इजी है कि वर्ण क्या है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम क्या नहीं कर सकते, उस ध्वनि का खंडन, उसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, अभी क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत है? No, ma'am. तो वर्ण समझ में आ गया? अब आपको अपने दिमाग में ये चीज दे के चलना है कि वर्ण क्या होता है, अकेला है। ओके, और अकेले को हम कभी तोड़ नहीं सकते। बाकी तो इस चौक से ले लीजिए तो इसको तो अकेला है ना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा कि जब एक से अधिक होते हैं तो उनको तोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर उल्टा चल रहा है। एक है तो ये वर्ण है, हम वर्ण को तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम एक से अधिक वर्णों को मिला देंगे तो हम इनको तोड़ सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक चीज यही रखनी है कि जो वर्ण है, ठीक है, तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि है जिसका हम कोई खंडन विघटन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसे हम yes, ma'am. वर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ आया वर्ण? Yes, ma'am. इसके आगे हम पहुंचते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में अभी तो हमने वर्ण पढ़ा, अब वर्णमाला में जब हम पहुंचेंगे तो क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित होता है ना कि नहीं, हम पहले yes, क्या व्यंजन को ले सकते हैं? नहीं, हम वर्णमाला में सबसे पहले क्या लेंगे, स्वर को ही लेंगे, बाद में हम व्यंजन को लेंगे। जब वर्णमाला पूरी जो होती है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है, बनती है ना। तो अभी हमने एक अक्षर के बारे में पढ़ा, एक वर्ण के बारे में पढ़ा, अब हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब वर्णमाला को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, लेकिन जो होता है ग्रामर के आधार पर हम एक तीसरा जो है तीसरा भेद भी ले सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, और वो है आयोग बाह्य। आपने शब्द सुना ही होगा, सुना है ना? Yes, ma'am. सुना है कभी? ग्रामर पोर्शन में पढ़े ही होंगे आप लोग। तो वर्णमाला को
तीन भागों में बांटेंगे या विभाजित करेंगे या वर्णमाला के तीन हेड होते हैं उनको हम कैसे बांट सकते हैं, तो सबसे पहला जो है हमारा वो स्वर है और दूसरा जो है हमारा व्यंजन, और आपने जो तीसरा मैंने आपको विभाजन बताया है वो है आयोग वाह। ओके, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे स्वर के बारे में, वर्णमाला में जो स्वर होता है वो क्या है, व्यंजन क्या है, आयोग वाह शब्द क्या है, वर्ण क्या है, यहाँ पे शब्द और वर्ण में अंतर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्वर पढ़ेंगे, स्वर क्या होते हैं, आ से आहा तक का शब्द आता है ना स्वर में कि नहीं आता, ये चीज आपको मालूम है लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा कि स्वर का हम उच्चारण कैसे करते हैं और व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, कोई बताएगा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसका और उसको जानने का केवल एक ही माध्यम है कि स्वर में तो हम ये तो बोल देंगे कि स्वर आ से आह तक होता है और का से जो ज्ञा तक के शब्द होते हैं वो सॉरी अक्षर होते हैं वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम व्यंजन में ले लेंगे, लेकिन ग्रामर व्याकरण हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं होता। स्वर के लिए क्या होता है, स्वर जो होता है स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पड़ती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें अन्य शब्दों की वो सॉरी अन्य वर्ण की आवश्यकता जो है नहीं हमें पड़ती। नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आपको ये आपको शब्द दिए गए शब्द के उच्चारण करके देखिए कि आपको अनुवादों की पढ़ गई है कि नहीं, अंग ए आ ई ई उ, इन शब्दों का उच्चारण करने में आपको अनुवर्णों की आवश्यकता पड़ रही है कि इसके उच्चारण में कोई शब्द आ रहा है, नहीं ना? नहीं मैम, नहीं मैम। जो सबसे इजी परिभाषा है वो यही है कि स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लगती है, वो स्वयं में सक्षम होता है, उसका उच्चारण बिना किसी सहायता के हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अब आप व्यंजन में देख लीजिए, क्या है का, ओके का ग ग्या, अब आप क्या कर रहे हो, का का उच्चारण कर रहे हो, का के साथ हमें किसका उच्चारण साथ में का उच्चारण आ रहा है, का यस मैम, का आ लग रहा, चा के साथ क्या लग रहा, आ का उच्चारण लग रहा, का में भी का बोले के बावजूद भी हम आ का उच्चारण अपने उसके साथ ले रहे हैं का। ओके, जा जब आप इंग्लिश में खड़िया बनाते हो ना बारह खड़ी, तो उसमें क्या करते हो, ग्या, ग्या में क्या लगाते हो, कितने अक्षरों से मिलकर बनता है, तो यही व्यंजन है कि जो स्वयं में सक्षम नहीं होते हैं उनके उच्चारण में जो है क्या है अन्य वर्णों की सहायता लगती है। ओके, क्योंकि वो स्वयं में इतने सक्षम नहीं होते कि उनका उच्चारण स्वयं से हो जाए, है ना? तो
यहाँ पर यही चीज हमें समझाई जा रही है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। क्या है स्वर और व्यंजन में जो है क्या अंतर है? तो अब आप स्वर और व्यंजन में अंतर समझ ही गए होंगे, yes, ma'am. है ना? तो अब आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे। स्वर क्या है? No, ma'am. स्वर में क्या होता है कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें क्या है मुख के किसी भी भाग का उपयोग नहीं करना पड़ता, या वर्ण को बोलते समय हमारे किसी भी भाग को वर्ण नहीं छूता है, मुख के भाग को नहीं छूता है। और ऐसे वर्ण जो है अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ओके है ना? स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता महसूस ना हो, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण करते समय हमें अन्य शब्दों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ओके हिंदी की ग्रामर डिफिकल्ट है क्या? नहीं मैम, बहुत इजी है। मैम के साथ पढ़ते रहो, मैम बिल्कुल इजी कर देंगे हिंदी की ग्रामर। समझ में आ रहा होगा है ना? यस मैम। तीसरा ग्रामर में स्वर और व्यंजन तो हमने पढ़ा वर्ण में। ओके यस मैम। उसके बाद तो हमने आपको आयोग वाह जो इसका भेद बताया था, किसका? वर्णमाला, सॉरी हाँ वर्णमाला को विभाजित किया गया है। उसमें है कि इसमें क्या होता है, आयोग वाह में इसका उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। इसको बोलते समय हमें जो है ध्वनि को थोड़ा सा ऊपर की ओर क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। लेकिन व्यंजन और स्वर को जो है बोलते समय हमें टाइम नहीं लगता है। ओके तो इसमें क्या होता है, मान एक ही पल में आपने आयोग वाह में कुछ आपने ही होंगे, अवंत लगाना और जैसे विसर्ग लगाना, अनुस्वर जो नाक की सहायता से बोलते हैं। ओके तो ये हमारे आयोग वाह के अंतर्गत उसी के भेद के अंतर्गत आते हैं। ओके जैसे विसर्ग आप जानते ही हो, आयोग वाह में केवल हम इसी को रखते हैं जो एक्स्ट्रा शब्द होते हैं। जैसे आप आवाज नहीं आ रही, कान बिंदी का उपयोग करते हो, ठीक है, हलंत का उपयोग करते हो, कॉमा क्या करते हो, आयोग वाह मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकते हो ना। तो यही वर्णमाला जो है उसको हम क्या है तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो आपने सबसे पहले वर्णमाला में जो पढ़ा वो पढ़ा स्वर व्यंजन और आयोग वाह। आयोग वाह में कुछ ज्यादा नहीं होता, उसमें क्या होता है अनुस्वर लगते हैं और अनुनासिक होते हैं और विसर्ग होते हैं। ये उसका उच्चारण बहुत कम इनका करते हैं। ओके तो आपको जो है वर्ण पर विचार करना, आपको समझ में टॉपिक आया ही होगा कि वर्ण पर हम विचार कैसे कर सकते हैं। बाकी इसका यदि आप डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा है इसका डिटेल। ओके तो आज आप इन तीनों में बिल्कुल आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ण और जो है अक्षर एक ही है, शब्द जो होता है क्या है वर्णों से
मिलकर शब्द बनता है। जब हम कई वर्णों को जोड़ देते हैं तो उससे शब्द बनता है, और जब कई शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारा वाक्य बन जाता है। एक बात क्लियर। दूसरी बात है ना, दूसरी बात में क्या है, वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी ध्वनि का हम खंडन या विघटन या खंड विघटन नहीं कर सकते हैं। ओके, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं और वो सारी वर्ण कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ा, वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, और वर्णमाला को हमने तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला स्वर, स्वर आयोगी और आयोग्य वा। ओके, तो स्वर आपको समझ में ही आया होगा। स्वर क्या है, स्वर के उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है जो स्वयं उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ओके, तो वो व्यंजन है। और आयोग वा में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अनुनासिक और अनुस्वर, ये जो हलंत वगैरह का हम उपयोग करते हैं ये इसी में होता है। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम व्याकरण के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। ओके, ओके, नमो नमो नमस्ते नमस्ते।